गर्मी के सीजन में अगर आपने मैंगो की ठंडी ठंडी चीजें नहीं बनाई तो सच में आप कुछ ना कुछ बड़ा मिस कर रहे हो। और मैंगो कुल्फी की ये वाली रेसिपी जिसमें आपको गैस भी जलाने की जरूरत नहीं है, मिक्सी में बस सारी चीजें घुमानी है और कुल्फी बनकर रेडी हो जाएगी। इससे ज्यादा आसान तो हो ही नहीं सकती। फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा ये आप बस एक कढ़ाई लेना, मैंने जानबूझ के लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि तले पे दूध चिपके ना, और फुल क्रीम दूध का आप इस्तेमाल करना। देखो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप आधे लीटर फुल क्रीम दूध से आप बनाना, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि गैस को हाई फ्लेम पर रखना है और दूध में आपने यहाँ पर डालना है आधा कप चीनी। आधे लीटर दूध में आधा कप चीनी बिल्कुल राइट अमाउंट है। वेट करना है आपने जब तक इसमें उबाला नहीं आ जाता। जैसे ही उबाला आने लग जाएगा आप गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देना। और अब आपने क्या करना है, अब आपने दूध को रिड्यूस करना है 50% होने तक। चीनी और दूध को आपने 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट में दूध आराम से 50% तक आ जाएगा। और जैसे ही आप वहां पर आ जाओ, ये देखो इस स्टेज तक, तो फिर सबसे पहले आप गैस को लो फ्लेम पर कर देना और इसमें लगभग 1/8 टीस्पून थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा डालना है। ध्यान रहे 50% रिड्यूस करने के बाद डालना है। बेकिंग सोडा डालने से दूध में एक फ्लेवर डेवलप होगा। अब साइंटिफिकली बेकिंग सोडा दूध में डालने से आप बेसिकली दूध को अल्कलाइज कर रहे हो, और अल्कलाइज करने से एक रिएक्शन होता है, मायार्ड रिएक्शन, जिससे कि वो कैरमल वाला फ्लेवर आता है, बढ़िया बढ़िया फ्लेवर डेवलप होते हैं और वो कलर भी आएगा कंडेंस मिल्क वाला। क्वेश्चन ये है कि क्या बेकिंग सोडा डालने से दूध फट जाएगा? उल्टा होता है, बेकिंग सोडा डालते हैं दूध की लाइफ बढ़ाने के लिए ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। ये होगी साइंटिफिक बातें। मैं आपको फटाफट से ये दिखा देता हूँ कि आपने ज्यादा देर और पकाना नहीं है, आपने सिर्फ 5 मिनट और पकाना है। और धीरे धीरे करके क्या होगा, दूध जो है वो चीनी के साथ और बेकिंग सोडा के साथ फ्लेवर डेवलप करना शुरू करेगा। ये देखो हर 1 मिनट में आपको दिखाऊंगा कि दूध की सिचुएशन क्या है। तो 1 मिनट बाद आप देखो अभी कितना थिन है ये लिक्विड, आप देखना धीरे धीरे करके गाढ़ा होने लग जाएगा। 2 मिनट के बाद आप ये देखो दूध गाढ़ा होने लग गया है। अगर मैं बबल्स की आपको सिचुएशन बताऊं तो बबल्स जो है अभी छोटे छोटे हैं बहुत, और धीरे धीरे करके ये बबल्स बहुत बड़े हो जाएंगे। और 3 मिनट वाले मार्क पे तो आप ये देखो बबल्स भी बड़े बड़े होने लग गए हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, आप बस 2 मिनट और ही दूध का पकाना, और ज्यादा बिल्कुल मत पकाना, और जैसे ही बुलबुले जो है वो बहुत बड़े बड़े होने लग जाए, मतलब दूध में एक थिकनेस सी आने लग जाए, ये देखो आप ध्यान से बड़े होने लग गए ना, तो बस इस स्टेज पर आप यहाँ पर गैस को बंद कर देना। और चलो ये तो हो गई कंडेंस मिल्क की बातें, फटाफट से कुल्फी की बात कर लेता हूँ। मैंने एक मैंगो लिया है बड़ा सा, मेरा मैंगो काफी मीठा है तो मैं यहाँ पर चीनी का थोड़ा कम इस्तेमाल करूंगा। आप टेस्ट जरूर करके देख लेना मैंगो। आपने करना सिर्फ ये है कि मैंगो को आप काट देना, मिक्सी में इसकी पहले मैंगो प्यूरी बना देना। अब आप यहाँ पर 1 कप फ्रेश क्रीम डाल देना। फ्रेश क्रीम बहुत सही रहेगी यहाँ पर दोस्तों, इतनी फैटी भी नहीं होती और कुल्फी भी बहुत अच्छी बनती है। बाय चांस अगर घर में फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप 1 कप वो जो दूध के ऊपर मलाई जमती है ना, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप यहाँ पर लगभग 4 से 5 चम्मच कंडेंस मिल्क डाल देना जो आपने बनाया है घर पे। मैंगो प्यूरी के साथ अच्छे से मिला देना और ये आपका कुल्फी का बेस बनके पूरा तैयार है। अगर घर पे कंडेंस मिल्क पड़ा हो तो इसको बनाने में सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते हैं। मैंने इनको फटाफट पूरी ऊपर तक कुल्फी नहीं भरी है, 3/4 से हल्की ऊपर तक भरी है, और पहले इनको टैप किया है अच्छे से ताकि कोई भी एयर पॉकेट या एयर